साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, गरीबों का पैसा लूटने के लिए कांग्रेस ने खास मशीन बनाई थी। आपको पता है कांग्रेस ने खास मशीन बनाई थी, आपको मालूम है? मैं बताऊं, बताऊं, एक बार कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख किया था। वो मशीन ऐसी थी जिसमें सरकार अगर 100 रुपये भेजती थी तो उसमें से 85 रुपये सीधे कांग्रेस नेताओं की तिजोरियों में पहुंच जाते थे, सिर्फ 15 रुपया लोगों के पास जाते थे। ये उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो मैंने कहा था कि ऐसे तो कभी मैं चलने नहीं दूंगा। तो मैंने सबसे पहले कांग्रेस की इस भ्रष्ट मशीन के सारे टायर पंचर कर दिए। हमने आधार, मोबाइल और बैंक खातों की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस की भ्रष्ट मशीन टिकी नहीं पाई। और फिर देशवासियों को आज की तारीख भी याद है जब भ्रष्टाचारियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। जो लोग नोटे के गद्दों पर सोते थे उनकी नींद उड़ गई थी और देश का गरीब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होते देख मोदी का जय जयकार कर रहा था। इसलिए आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिल बिलाती है, ऐसे बिल बिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100-100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर हैं, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना, ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं। जी लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। मुझे जरा आप बताइए, दमोह के मेरे भाइयों बहनों, इतनी तादाद में आप आए हैं, ज्यादा लोग धूप में तप रहे हैं, लेकिन मुझे प्यार से सच्चा बता दीजिए, क्या मुझे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए, भ्रष्टाचारियों ने जो लूटा है वो देश को वापस मिलना चाहिए, जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यह आपके आशीर्वाद है ना? मुझे यही आशीर्वाद मेरी ताकत है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ही आपने मुझे इस सेवा के लिए जन्म दिया है। साथियों, आज मजाल है कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए पैसा भेजे और कोई पंजा बीच में से उसको लूट जाए, वो जमाना चला गया है।